हाय फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी खिचरी मैं हूँ रुणा आशीष और मौला इसका टीजर जो आपने देखा है मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया भी होगा क्योंकि सर्टनली uh, मेरा पेट नहीं भरा लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि बस कुछ ही दिनों का इंतजार होगा और uh, मौला का पूर्ण स्वरूप हमें देखना मिल जाएगा और इसीलिए बहुत खुश भी हूँ क्योंकि इसमें अरुणिता की आवाज़ आने वाली है और जो म्यूजिक है और जो लिखा गया है वो पवनदीप ने लिखा है इस कॉम्बिनेशन की तो मैं हमेशा मुरीद रही हूँ इस कॉम्बिनेशन की तो मैं हमेशा फैन रही हूँ चाहे वो ऑन स्क्रीन साथ में हो या ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती हो या कुछ भी कहें ये दोनों हमेशा आपका दिल चुराते हैं दिल लुभाते हैं आपको बहुत रिफ्रेश करके जाते हैं और जब ये प्रोफेशनली भी सामने आते हैं साथ में आते हैं तब चार चांद लग जाते हैं यार चाहे वो स्टेज पर हो चाहे वो पर्दे पर हो चाहे वो इन आइडल का मंच हो चाहे वो कोई गाना हो मतलब आपको इनको देखते रहने की इच्छा होती है और और कहीं नजर नहीं जाती आपकी आप कुछ देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये दोनों सारा ध्यान अपने ऊपर खींच लेते हैं आई मीन आप देखें तो पवन अरुणेता और सुने तो पवन अरुणिता है तो इससे बेहतरीन कोई कॉम्बिनेशन आज के समय में नहीं मिल रहा है मुझको क्या करूँ यार <laughs> अब इसमें जो मौला है ये वाला जो गाना है अरुणेता है और इसमें संगीत पवनदीप का है लिखा हुआ पवनदीप का है चॉकलेट पाए का जो म्यूजिक पाए चैनल है उस पर आने वाला है सत्रह तारीख को आने वाला ये सब चीजें आप जानते हैं अब जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूं पवनदीप और अरुणिता के अगले दो शोज की इन्फैक्ट मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है तो जो पहला शो है ये फोर्टीन का है लखनऊ में होने वाला है और ये वाला जो शो है ये सोलो शो होने वाला है अब आती है ये बात कि अरुणिता के साथ इनका नेक्स्ट शो कब लगना है तो जो अरुणिता के साथ नेक्स्ट शो लगना है पवनदीप और अरुणिता का वो फिफ्टीनथ का है फिफ्टीन ऑफ जुलाई का और ये सुनने में आया है मुंबई के पास में कहीं उनका आ, एक, एक एक शो है और जहाँ तक मालूम पड़ी है कि ये बात कि ये वाला शो एक प्राइवेट शो है कॉरपोरेट शो है इन दोनों का ही है आ, और मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि अगर मुंबई के आसपास की एक दो घंटे की दूरी वाला कोई जगह है तो वो खंडाला या लोनावाला ऐसी जगह हो सकती है हालांकि ये जगह को लेकर अब तक मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं आई है जब कन्फर्मेशन आएगी तो वो इन्फर्मेशन भी आपके सामने आएगी लेकिन हाल फिलहाल तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि मौला को लेकर जो इनका नया नया रूप ही तो देखना मिल रहा ना हमको मौला में आई मीन म्यूज़िक एंड लिरिक्स बाय पवनदीप और सिंगिंग बाय अरुणिता और पवन ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि कितना मज़ा आएगा मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ बड़े बड़े धुरंधर आर्टिस्ट चाहे वो फिर वो निहाल के लिए भी बोल देते फिर शरणुका के लिए भी बोल देते थे फिर कभी आशीष के लिए बोल देते थे वो कहते भी तो हैं कि कितना मज़ा आएगा कि मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ और ये सब मेरे बनाए हुए गाने को गा रहे हैं तो चलिए पवन आपका सपना पूरा हो रहा है और अरुणिता आप तो जहाँ होगे मीठापन ही बिखेर उड़ने वाले हो जब इतनी मीठी आवाज़ आप बिखेरते हो ना कि कान भी तरस जाते हैं हर दिन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तो अरुणता पवन ऐसे ही आगे बढ़ते रहो गाने इंतज़ार में हैं हम लोग सेवनटीन के लेकिन हाल फिलहाल उसके पहले आप जी जो दो धमाके दे रहे हैं पवन और अरुणता आप फिफ्टीन का हम तो उसके इंतज़ार में भी हैं यानी इंतजार हमारा चलता रहेगा आप बस काम करते रहो आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया आपके पीछे है और आपके फैंस तो वैसे भी आपके पीछे पागलों की तरह दीवाने हो जाते हैं जय हिंद